ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। भारत में काला धन में लगाम लगावे खातिर नोटबंदी कीन गई रही और उसके बदले में नए नोट जारी कीन गई रही जोने में 500 और 2000 के नोट जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 के नोट पहल दर की जारी किए गए हैं या नोट खासे चर्चा में रहे और अब यह जो 2000 के नोट है बाजार में बहुत ही कम देखे का मिलत है। अपनों के लगे या फिर बाजार में जहां नोट के लेन देन होते हैं रुपया पैसा के उमा 2000 के नोट बहुत ही कम देखे का मिलत है और इसने माँ मन में एक ख्याल आवत है कि आखिर ये 2000 रुपया के नोट गे ता गे कहाँ का इनकर काला बाजारी हो रही है या फिर सरकार इनका वापस ले रही है। पूरी खबर आप अपना का बताओ कि आखिर 2000 रुपया के जो नोट हमा वो कहां जा रहे हैं। हालांकि अब यह मुद्दा जो है संसद तक घलाए पहुंच चुका है। तो विद क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सबजरन का प्रणाम कहते शुरू करते बड़ी खबर से बता दे कि संसद के शीत कालीन सत्र के दौरान बीजेपी सांसद सुशील मोदी के द्वारा देश में 2000 रुपया के नोटन के कमी के मुद्दा उठावागा और आरोप यह लगावागा रहा कि काला धन के तौर में 2000 रुपया के नोटन के जमाखोरी की जाला ही पे PSU बैंक के प्रमुख के साथ एक बैठक में केंद्र से इस मामला का स्पष्ट करे के मांग की गई रही। सुशील मोदी के द्वारा कहा गया रहा कि काला धन में लगाम लगावे खातिर ये नोट का बंद की जाए चाहिए। फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा गया रहा कि बैंकन का 2000 रुपया के नोट जारी करे से रोके खातिर कोनोमेर के निर्देश नहीं दिन गया है। राज्यसभा में सार्वजनिक महत्व के मामला में चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद सुशील मोदी के द्वारा कहा गया कि 2000 रुपया के नोट यानी कि ब्लैक मनी 2000 रुपया के नोट यानी कि होडे। अगर देश में ब्लैक मनी का रोके कहे तो 2000 रुपया के नोट का बंद करे पड़ी। 2000 के नोट के सर्कुलेशन के कोनो औचित्य नहीं रहेगा और यही कारण आग्रह करे रहे कि चरणबद्ध तरीका से 2000 के नोट का धीरे धीरे सरकार का वापस ले चाहिए। ऐसे पहले बता दी कि नोटबंदी के तीसरी वर्षगांठ में आर्थिक मामलन के पूर्व सचिव SC गर्ग के द्वारा कहा गया रहा कि 2000 रुपया के नोट का बंद कर दे चाहिए। दावा यकीन का रहा कि 500 और 1000 के पुराने नोट के जगह में 2000 के जो नोट लाए गए रहे अब उनकर जमाखोरी की जाला ही और यही कारण एक बंद करे के मांग उठाई गई रही। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 में नोटबंदी के ऐलान किए गए रहा और एक बाद आधी रात से उही दिना से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो गए रहे। 500 रुपया के नया नोट आबा और 1000 के नोट के बदले आबा 2000 के नए नोट। तब यह कहा गया रहा कि नोटबंदी से ब्लैक मनी और आतंकवाद में अंकुश लग सकी पर जो सच्चाई अब समझा वाला ही ओ पर बीजेपी सांसद के द्वारा घलाए बोले से कोनो मेर के गुरेज नहीं कीनगा। बता दें कि 2000 के नोट जो है बाजार में बहुत ही कम देखे का मिला था। लेन देन की अगर बात की जाए तो 2000 के नोटन में लेन देन नहीं हो रहा है और इसने माँ कहो न कहो बात यह है कि नोटन के जमाखोरी हुई जा रहा हो रही है जोने काला धन का रोके खातिर सरकार के द्वारा नोटबंदी की गई रही वह जो है पुनः के चालू है और सबसे बड़ा मददगार हो रहे हैं 2000 के नोट। देखे वाली बात यह हुई कि आखिर ए 2000 के नोट के बारे में अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और सरकार के का कुछ कार्रवाई की जाती का कुछ के फैसला लेन जाते कि का ये नोट चलन में बने रही ही या फिर इनका धीरे धीरे वापस लेन के जो प्रक्रिया है वह शुरू की जाते। दे इजाज़त रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल प्रणाम।